जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ 15 वर्ष पुराने गाड़ियों के पुनः पंजीकरण कराने के लिए फ़ीस कितनी लगती है। तो यहाँ पर 15 वर्ष पुराने 20 वर्ष पुराने गाड़ियों को अगर आप फिर से पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ीस, यहाँ पर आपको जाननी ही चाहिए कि फ़ीस हमको कितनी देनी पड़ेगी ताकि पहले से आप प्रिपेयर करके रहें, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है पुराने गाड़ियों के वाहन मालिकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अगर नए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। रजिस्ट्रेशन जो होता है ये आपको पता ही है कि इसमें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर चेंज भी किया गया है नियमों में। इसके ऊपर मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आपने नहीं देखा है तो जाकर ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख लीजिएगा तो आपको नियम पता चल जाएगा कि कैसे पुनः पंजीकरण होता है, क्या यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन कहता है। तो अब वहीं पर उसके आगे से शुरू कर रहा हूँ कि फ़ीस कितनी लगती है, यानी कि पुराने गाड़ियों को पंजीकरण कराने की फ़ीस हमको कितनी देनी पड़ेगी RTO में, ठीक। यहाँ पर मैं आपको चार स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको मोटरसाइकिल के बताऊंगा, फिर कार की बताने वाला हूँ, उसके बाद में ऑटो टैक्सी की, फिर बस और ट्रक्स की, ठीक है, यहाँ पर जो कमर्शियल वाहन होते हैं। तो ये चार वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, इन चारों मीडियम में फ़ीस कितनी लगती है, चार प्रकार के जो कैटेगरीज हैं वाहनों की, ठीक। उसके बाद में ये तो हो गई फ़ीस, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको लेट फीस, पेनाल्टी, अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो कितना आपको देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को बने रहेगा, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं जिसकी एज 15 वर्ष या उससे ज़्यादा हो रही है, जैसे 20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, ऐसे कि मान के चलें कि 15 वर्ष से प्लस है, तो अब 15 वर्ष से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको ₹1,000 रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी पड़ेगी। जी हाँ, पुनः पंजीकरण कराने की फ़ीस ₹1,000 है अब के टाइम पर। पहले ये मात्र ₹300 थे, इसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है, चेंज हो गया है। नंबर दूसरा यहाँ पर कैटेगरी है कार की। तो कार को पंजीकरण कराने के लिए, पुनः 15 वर्ष पुरानी कार है तो उसका पंजीकरण अब ₹5,000 आपको देने पर ही होगा। तो ₹5,000 का पुनः पंजीकरण फीस हो चुकी है कार की, ठीक। और ये पहले कितनी थी, पहले महज ₹600 थी कार की पुनः पंजीकरण कराने की फ़ीस, इसमें बढ़ोतरी कर दी है, ₹5,000 कर दिए गए पुरानी गाड़ियों को पंजीकरण कराने के लिए फ़ीस। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में हमारा जो है लिस्टेड है ऑटो टैक्सी। तो ऑटो टैक्सी के लिए अभी ₹7,000 आपको देना पड़ेगा, ₹7,000, जो कि पहले की तुलना में तो लगभग 6 से 7 गुना ज़्यादा है। पहले केवल ₹1,000 थी, अभी वो ₹7,000 कर दिया गया है थर्ड कैटेगरी में जो लिस्टेड है ऑटो और कार के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे चौथे कैटेगरी की, जो फोर्थ कैटेगरी हमारी है उसमें लिस्टेड है कमर्शियल व्हीकल जिसमें बस और ट्रक हैं। तो यहाँ पर आपको जो फीस अब देनी पड़ रही है वो है ₹12,500 पुनः पंजीकरण कराने की, समझ रहे हैं। और यहाँ पर फिटनेस टेस्ट भी आपको देना करवाना पड़ेगा आने वाले दिनों में, तो उसकी फ़ीस अलग से आपको इंक्लूड कर इसी में हो जाएगी, अभी तो नहीं हो रहा है। तो ये ₹12,500 है, पहले ये फ़ीस कितनी थी आपको सुनकर शौक लगेगा, केवल ₹1,500 फीस थी, लगभग 8 गुना ज़्यादा यहाँ पर फीस बढ़ोतरी हो चुकी है। ₹1,500 से अब सीधा ₹12,500 देना पड़ेगा पुनः पंजीकरण कराने के लिए, ठीक। अब ये चारों कैटेगरी मैंने आपको बता दिया। अब इन चारों कैटेगरी में अगर आप लेट हो जाते हैं तो उसको लेट फीस में पेनाल्टी बोला जाता है, तो पेनाल्टी लेट फीस कितनी देनी होगी। तो मोटरसाइकिल में पहला स्टेप, पहले चरण में मोटरसाइकिल हमारा है कैटेगरी में, तो वहाँ पर आपको ₹300 पर मंथ के हिसाब से लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आप एक महीने या उसके किसी एक दिन के लिए भी लेट होते हैं तो ₹300 वो उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर आप जैसे कि मान के लें कि 6 महीने लेट हो गए तो ₹1,800 आपको अलग से देना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्रेशन वाली फ़ीस मैंने बताया ₹1,000 वो उसमें इंक्लूड होकर टोटल ₹2,800 हो जाएगी। इसी के हिसाब से हमारे यहाँ पर सेकंड कैटेगरी फोर व्हीलर है, तो वहाँ पर जो लेट फीस है वो ₹500 पर मंथ है। ₹500 लेट होने पर मंथ या उसके किसी एक दिन के लिए ₹500 आपको अतिरिक्त फीस भुगतान करना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी में हमारा ऑटो टैक्सी वाला है, तो वहाँ पर लेट हो जाने पर ₹500 आपको पर मंथ। और यहाँ पर फोर्थ जो कैटेगरी आती है वो है हमारी कमर्शियल, जिसमें बस और ट्रक सम्मिलित किए गई हैं। वहाँ पर अगर लेट हो जाते हैं तो कम से कम आपको ₹500 पर मंथ के हिसाब से लेट फीस पेनाल्टी यहाँ पर भी देनी होगी, ठीक। तो ₹500 पर मंथ के हिसाब से लेट फीस पेनाल्टी प्लस वहाँ पर जो फीस मैंने बताई रजिस्ट्रेशन करवाने की, वो सब इंक्लूड करके आप वहाँ पर जोड़ लीजिएगा। आने वाले दिनों में फ़िटनेस टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए फ़िटनेस फ़ीस भी अलग से लगती है, तो वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताने वाला हूँ जब से ये स्टार्ट होगा फ़िटनेस टेस्ट आम गाड़ियों के लिए, प्राइवेट के लिए। अभी तो गवर्नमेंट व्हीकल के लिए रूल लागू है, उनको स्क्रैप किया जा रहा है। बाकी स्क्रैपिंग पॉलिसी,
या फिटनेस टेस्ट कैसे होगा, कहाँ होगा, लिस्ट सारी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ड्राइविंग प्ले लिस्ट में मौजूद है, जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। कुछ बिना समझ में आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर यहाँ तक देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए, कमेंट में आंसर मिलेगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, या फिर पर्सनली सुझाव सजेशन के लिए @TechnicalAlokji इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और साथ साथ फेसबुक पेज पर अवेलेबल, जाकर जुड़कर क्वेश्चन पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अभी तक लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तक यहाँ वीडियो तो देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।